ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। का हमारा सेकंड जन्म है, पहला जन्म है ब्राह्मण जन्म। जिन्होंने इस ब्राह्मण जन्म का आनंद लिया, अतीन्द्रिय सुख लिया, उसको सत्युग में जाने का भी अच्छा नहीं लगे। ये है डायमंड जन्म और वो है गोल्डन डायमंड। क्यों है? क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति से सुख मिलता है। इसलिए आत्माभिमानी की तपस्या करो, साधना करो। जितना जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है उसको परमात्मा ऑटोमेटिकली याद रहता है। जो खुद को भूल जाता है, खुद को मैं आत्मा हूं भूल जाता है, खुदा भी भूल जाता है। जैसे सूर्य निकलने के बाद सूर्य से कितनी सेवा हो रहे हैं। अगर सूर्य कई दिनों तक ना आता, कितनी सारे जीवाणु बन जाते, कीटाणु बन जाते, कई बीमारियां फैल जाती। इसी तरह जिसकी आत्माभिमानी स्थिति बनती है वो बहुत बड़ी सेवा हो रहे हैं, उसे वाइब्रेशन फैल रहे हैं, वायुमंडल अच्छा बन रहा है। इसीलिए सूर्य बनो, सूर्य अर्थात सोल कॉन्शियस में रहो। जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे किसी के भी दोष आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। आज हमें किसी की दोष क्यों देखते हैं? क्योंकि हम देहबान में आते हैं और फिर कहते हैं इसको सुधारना चाहिए, उसको बदलना चाहिए, उसको ऐसा। अरे भाई, बदलना तुमको चाहिए, तुम देहाभिमान में आए हो इसीलिए दूसरे की दोष दिखते हैं। आत्म अभिमानी बन करके संसार को देखो, ये संसार बहुत अच्छा दिखाई पड़ेगा। जितना इस आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे, विधेयी स्थिति में रहेंगे, उतना आपके पास कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये कोई भी विकार नहीं आएंगे। विकार आत्मा को तब अटैक करते हैं जब हम देह भान में आते हैं। सीता के सामने वो तिल्ली जला करके रख देती है, जब उसकी तिल्ली है रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी आत्मा की तिल्ली सदा ब्रुकुटी में जली है, रावण हमें टच भी नहीं करेगा। सबसे बड़ा भान काम क्रोध तो बाद में आता है, पहले देहबान आता है। देहबान का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, सारे भूत आते हैं। भूत वही रहते हैं। पहले जमाने में गांव गांव में कहते बहुत सारे भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम ही खत्म हो गया क्योंकि सभी तरफ लाइट हो गई। इसी तरह जितना आपका इस शरीर रूपी घर में आत्मा का दीपक जलता रहेगा, उतना ही शरीर में जो बैठे हुए भूत वो अपने भाग जाएंगे। विकारों को भगाने का पुरुषार्थ नहीं करो, आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। लाइट बुझी है, काम को भगा रहे हैं तो क्रोध आएगा, क्रोध का भगाओ तो लोभ आएगा, अभिमान आएगा। एक भगाओ दूसरा आएगा, चूहा निकालो बिल्ली आएगी, बिल्ली निकालो चूहा आएगा। आत्म अभिमानी बनो।